सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भाई इतना आगे मत, जैसा कि आप देख पा रहे हो अपन निकल रहे हैं। आपने पीछे वाला व्लॉग देखा होगा दिवाली का। जैसा कि हम हमेशा पिछले दो तीन साल से अपन जा रहे हैं, दिवाली के हर एक दिन बाद अपन एक बार गांव का ट्रिप मार के आते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है कि गांव जाने का, क्योंकि दिसंबर में फिर अपन अभी स्कूल में गए नहीं कि भाई छुट्टी मिल जाएगी, कि अवकाश पड़ता ना शीतकालीन अवकाश वो मिल जाएगा, वो ऐसा है नहीं। बट अभी अपने को दिसंबर में कोई छुट्टी वुट्टी मिलेगी नहीं, और अभी नेक्स्ट मंथ में कि शादियाँ भी हैं, देव ने कहा जो भी काफ़ी सारी शादियाँ हैं तो शादी भी अटेंड करनी जरूरी, तो छुट्टी नहीं मिल पाती। सोचा कि अभी छुट्टी मिल रही है तो इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इन्वेस्ट करी जाए, क्योंकि दिवाली गाँव के आसपास भी कोई अच्छी लोकेशन होंगी जहाँ अपन कवर कर सकेंगे तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। बाकी अभी मेरे को GoPro की ज़रूरत है, बैटरी की, तो अभी आदर्श भैया के पास चलते हैं अपन बैटरी लेने। आदर्श भैया के जैसे बैटरी लेते हैं निकलते हैं, वहाँ भी मेरे को पता है टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट वहाँ भी, 5-10 मिनट नहीं ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि वो रोक लेते हैं एक बार बिठा लेते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। और बाकी अपन निकलते हैं अपनी गाड़ी में, अपन ने अभी लगा लिया, अपने देख रहे होंगे कितनी शानदार लग रही है। अभी एक भाई बोल के गया कि भाई लद्दाख जा रहे हो क्या, मैंने बोला लद्दाख ऐसे नहीं जाएंगे, लद्दाख जाएंगे जब है ना पूरी गाड़ी ना लोडेड रहेगी और पेट्रोल के कैन वगैरह सब पे, तो 3-4 बैग लोडेड रहेंगे लद्दाख जाएंगे जब। इसलिए मैं लद्दाख की ट्रिप नहीं कर रहा, क्योंकि लद्दाख ट्रिप जाने से पहले कम से कम मेरे को एक महीने का, मतलब कि महीने भर का मैं अच्छे से छुट्टी लेके फिर जाऊँगा, स्पीति वगैरह सब कवर करूँगा उस टाइम। लेट्स सी, आगे चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस अभी अपन आ चुके हैं 200 फीट बाईपास और अपन निकल रहे हैं सिक्कर रोड से। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं दिल्ली रोड से भी देखो अपने गांव का जो डाबला है नीम का थाना के पास पड़ता है जो कि, और हरियाणा से टच में है, तो अपने दो रास्ते निकलते हैं। एक तो कोटपूतली जानते हो कोई, अगर जैसे दिल्ली रोड से जाते हैं ना, दिल्ली की साइड जाते हैं कोटपूतली निमराणा की साइड, तो कोटपूतली होते हुए जा सकते हैं, और एक इधर क्या बोलते हैं चोमू होते हुए जा सकते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि जाएँ किधर से, मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं। देखो कोटपूतली वाले से जाएंगे तो अपने को मतलब कि 100 किलोमीटर तो ऐसे मिलेगा, बिल्कुल कचा कच्चे वाला रोड, क्योंकि दिल्ली रोड बिल्कुल शानदार वाला रोड है। बाकी अभी आदर्श भैया के पास चलते हैं, वहाँ से बैटरी अपने को उठानी है GoPro की, क्योंकि अपन कल या आज या कल में जाएंगे ना कहीं तो GoPro ज़रूरी होगा, इसकी बैटरी एक्स्ट्रा ज़रूरी है। क्या पंखा तो चलेगा यार, गाड़ी चलेगी जब भी फूल रही, हल्की हल्की ध्यान से लगाना पहले, बोल दो क्या हो गया इसके, वो क्या गया फूल रही है ना हल्की हल्की बैटरी, तो फूल गई खाली, हमारी तो नहीं फूली, 2 साल हो गए हमको यूज करते हैं, मेरी क्यों फूल गई खाली पर से लगाया। देखो ये व्हील पे लगवाया मैंने स्टिकर्स, हाँ मैंने व्हील पे वहाँ से अजमेरी गेट से कितने का पड़े, 200 रुपये में दोनों टायर हो गए। चलो ठीक है, सो गाइज निकल चुके हैं अपन आदर्श भैया के पास से, और अपने को पूरा 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे निकलने में, सो 1 घंटे बाद अपन निकले। अपन ने पहले बोला था ना, मेरे को पता है यहाँ आने के बाद टाइम लग जाता है, बातें बातें करने लग जाते हैं क्या।
करोड़ा तारी गाड़ी से तो महंगा, तारी गाड़ी से सस्ता ही जाए 30-40 हजार का ज्यादा कौन है कहा होगा के तो अरे अंकल जी यार ये है डाबला नीम का थाना नायक है वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे पीछे वाले टायर पे 40 मिस्टर रोहित पीछे वाले में यार देखना है कम है मेरे को ऐसा लग रहा है बबलिंग खा रही है यार तो गाइस देख रहे थे कि हवा कम मेरे को ऐसा लग रहा था महसूस हो रहा था देखते कितनी है 27 मेरे को पहले पता था टायर में हवा कम है क्योंकि बबलिंग खा रही थी टायर बहुत ज़्यादा 40 करवा लेते हैं क्योंकि मैं जब मैं 120-30 पे चढ़ा रहा हूँ तो मतलब कि अजीब सा ऐसा फील सा हो रहा है मेरे को पक्का पता चल गया था कि टायर में हवा कम है बाकी देख लेते हैं अभी टायर अब सही हो जाएगा तो गाइस सोच रहे हैं कि होटल हाईवे किंग में खाया जाए पिछली बार मैं सोच रहा था ओल्ड रा होटल में खाएं बट आज इस टाइम होटल हाईवे किंग का टेस्ट करें बट इसका भी टेस्ट अच्छा है बाइक कहाँ खड़ी करनी आगे उत्तराखंड से आए थे ना जब भी यहीं खाना खाया था हाँ याद आ गया उत्तराखंड से आया था जब भी यहीं खाना खाया था और अब दोबारा अपन चाना खाते हैं सो गाइस जैसा कि अपन होटल हाईवे किंग रुक चुके हैं अभी अपन ने सोचा था कि ओल्ड राव होटल पे रुके क्योंकि अपने पिछली बार जो ब्रेकफास्ट किया था अभी तो लंच का टाइम हो गया वैसे तो बट ब्रेकफास्ट किया था वो ओल्ड राव होटल में किया था मैंने सोचा कि देखो अभी भूख भी ज़्यादा लग रही है आगे आगे है 3-4 किलोमीटर आगे ओल्ड राव होटल सोचा होटल हाईवे किंग में ही किया जाएगा अपन जब देहरादून से आए थे यहाँ पे यहीं पे अपन ने खाना खाया था तो देखते हैं खाते हैं थोड़ा बहुत खाएंगे फिर निकलेंगे आगे देखते हैं कैसा खाना मिलता है बाकी आपको पता चल जाएगा और इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो नीचे आइकन आ रहा है जाके फॉलो कीजिए और बाकी वहाँ भी आपको पोस्ट वगैरह जो भी स्टोरी वगैरह वहाँ आपको जाके देखने को मिलेगी बट ये वीडियो तो 2 या 3 दिन बाद आती है बट स्टोरी आपको पहले वहाँ मिल जाएगी लेट्स सी आगे चलते हैं सो गाइस आ चुके हैं अपन होटल हाईवे किंग के अंदर और अभी कुछ मंगाएंगे देखते हैं क्या है अपने खाने के लायक क्या है खाना तो खाना नहीं है देखो थोड़ा बहुत खाना है जो देखते हैं क्या है क्या नहीं बाकी आपको ज़रूर बताएंगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे बाकी सो खा लिया सर खाना खाना तो क्या खाया एक पराठा खाया ज़्यादा कुछ खाया नहीं इतनी भूख थी अच्छा था काफ़ी मतलब कि इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं बोल सकते अच्छा था बट अब सोच रहे कुछ मीठा या कुछ लिक्विड खाने की इच्छा हो रही है देखते हैं सामने कुल्फी उल्फी रबड़ी उबड़ी है देखते हैं खाते पुतली को कवर करने वाले पार करने वाले बस आने वाले 500-700 मीटर में कोटपुतली आ जाएगा अपने ओनली 101 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट और अपन ने बहुत ही शानदार भगाई इस वाली राइड पे अपन ने मतलब कि आपने पीछे वाली वीडियो क्लिप में देखा होगा जैसा कि अपन ने 132 चढ़ा दी थी इसको 132 अगर यही रोड अगर सीधी रोड और भी रहे ना तो कम से कम नियरली 150 तो पहुँचा दूँ आराम से 150 आराम से देखो इतनी तेज भगाना भी सही नहीं है मैं चेक कर रहा था वैसे मैं नॉर्मली 190 के लगभग ही चला रहा हूँ गाड़ी को ज़्यादा तेज नहीं चला रहा ज़्यादा तेज चलाना भी रिस्की है कोई एकदम से गाड़ी आ जाए सॉरी गाड़ी तो क्या आएगी कार आ जाए सॉरी जानवर आ जाए कोई भी गाय वगैरह आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मेरा तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे ही चला रहा हूँ 90-100 के कवर हो जाती है गाड़ी अगर मुझे आ जाता ना कवर हो जाती है बस 130-140 चला रहा हूँ फिर कवर नहीं हो पाती बाकी चलते हैं आगे अगर कोई ऐसी चीज़ होती दिखाने लायक तो अगर आप जरूर दिखाएंगे ये रोड थोड़ा बंद है ना अभी अपन आए वो तो 120-130 चला के आ रहे हैं अब यहाँ पे अपने को 80-70-80 रखना पड़ेगा यार कुछ फ्रूट्स खाएँ यार फ्रूट्स खाने की लिक्विड खाने की इच्छा कर रही है लिक्विड ये वाला ये शायद भाई यही है ना
गाइस अभी अपनी बैटरी मतलब GoPro की बैटरी मैं लेके आया था ना आदर्श भैया के पास, वो बैटरी क्या है 9 के लिए ही है, वो बैटरी बड़ी थी उसकी, मेरी वाली की बैटरी छोटी है, तो बैटरी अपने को मिल नहीं पाई, तो GoPro में इतनी ही बैटरी थी जिसने अपन मोबाइल से आपको कवर करके दिखा दिए थे भाई। अन्ना सिंह यहाँ पे अपने को मिलेगा, वहाँ पर है भाई। अरे किसी सब्जी लेकर आए तू चला कड़े करा ये कहाँ से सब्जी ले रहा है? दुकान की है। आते बाबा दुकान में ले दुकान पे है दुकान में कैसे की मोटरसाइकिल लिया गया दूसरा ही है कि आज अंकुर पट रहे थे के ना काल अंकुर तो आज को जाना काल को आज गए हैं लागू जाना अच्छा तेरा बोला हूँ चल जैसा कि आपने देखा पीछे की साइड अपन अरे यार हेलमेट उतार देता हूँ। सो गाइस जैसा कि आपने देखा अपन वहाँ मतलब कि पूरा आपको पता है 120-130 मतलब कि फुल धमाकेदार वाली राइड है ये वाली, और अपन ओनली फॉर 2 hours 45 minutes में अपन यहाँ पहुँचे हैं, बाकी आधे घंटे भी ये मानो वो होटल लाइव किंग ने लगा दिया, एक पराठा बनाने के अंदर उन्होंने आधी घंटा लगा दिया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई 10 जने चले जाए वहाँ पे 10 पराठे बनाने लग जाए तो कम से कम 2-3 घंटे लगा दे, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं समझ नहीं आता। बाकी एक पराठे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगती है क्योंकि रसोई भी काफ़ी बड़ी होती है उनकी। कोई बात नहीं छोड़ो उनको तो छोड़ो, बाकी अपन आ चुके हैं अपने विलेज डाबला गाँव के अंदर, और बाकी गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है और अपन काफ़ी जल्दी आ चुके हैं यहाँ पे, और बाकी चलते हैं आगे घर पे। सोचा आना आपको देखा था कि आना से मिलाया आपको, GoPro में कैप्चर भी हुआ होगा। बाकी वीडियो अगर जयपुर से डाबला आने तक की जो वीडियो है जो अपना सफ़र है जो कि कैसा रहा वो सारी चीज़ आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आने वाले टाइम में अगर अपन जैसे कोई भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जैसे आप आसपास जो भी अपन पूछेंगे आप यहाँ आने वाले टाइम में अगर पूछेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ होगी कि घूमने लायक है अपने लिए तो अगर उसको ज़रूर कवर करेंगे। मिलते हैं गाइस ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइट सेफ।